चलिए अब एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं लेसन नंबर 15 का ऑफ एसबीईसी, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंसेस। यानी छोटा छोटा कंप्लायंस आपको यहाँ पर बताया गया है वेरियस इंडस्ट्रीज का, जो आपको एक बार गो थ्रू करना है। अब ये भी एक हाईली अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है, कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आता है तो 12 मार्क्स का भी आ सकता है, 8 मार्क का भी, 3 मार्क का भी, किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा पोर्शन आपका कंपनी लॉ का है, तो वो तो आप इजीली कर लेंगे, बाकी आपको जो अदर चीजें हैं वो अच्छे से करनी है। ये इंट्रोडक्शन है, जस्ट इसको गो थ्रू कीजिए। ये जो चार्ट दे रखा है यहाँ पर, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है? इसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप ऑफ ए कंपनी। अब जैसे कंपनी का ये हमने पहले भी देखा है, ये वापस क्यों दिया है आई डोंट नो, बार बार दे रखा है, बट आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्पाइस प्लस का ये दिया है, अमेंडमेंट के पहले या बाद में क्या पोजीशन है अभी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को लेके। इसके बाद अप्लाइंग फॉर बिजनेस लाइसेंसेस, इसको आप गो थ्रू करेंगे। टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग लॉज के अंदर क्या है, यानी ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है ये सारा पोर्शन। लेबर लॉज का कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर कुछ एक लेबर लॉज का यहाँ पर जिक्र किया है इन्होंने, जिनका कंप्लायंस करना रहेगा इंडस्ट्रीज को। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये जिस गो थ्रू करना है आपको यहां पर। इसके बाद इन्होंने कहा है लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफिक, गो थ्रू कीजिए इसको ये। इसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, अब ये फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में 2 शब्द कहे गए हैं, यानी यहां पर फैक्ट्री का मतलब क्या है वगैरह ये बताया गया है। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्लांटेशन लेबर एक्ट, उसके बाद माइंस एक्ट, इसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट, गो थ्रू कीजिए, थोड़ा थोड़ा दिया है। इसके बाद लेबर वेलफेयर फंड फॉर सोशल असिस्टेंस टू वर्कर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं, अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज डाउट्स, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और बाकी डिटेल मैं ऐप पे अपलोड करूंगा जैसा भी मुझे समय मिलेगा इसका।